मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस कंडक्टेड बाय सेंट जोसेफ। इस वीडियो में हम क्लास थर्ड के लिए हिंदी साहित्य चैप्टर 7 एलियन की सर इस पार्ट के अभ्यास प्रश्न पर चर्चा करेंगे। नोटबुक पर प्रश्न उत्तर अतिरिक्त प्रश्न पहले वाले वीडियो में करवा दिया गया है। इस वीडियो में हम केवल अभ्यास प्रश्न पर चर्चा करेंगे। पहला क्वेश्चन है, पाठ के आधार पर बताइए कि ये वाक्य किसने कहे हैं और किससे कहे हैं। पहला वाक्य है, तुम यहाँ आए कैसे। यह वाक्य किसने कहा था? बंटी ने कहा था। किससे कहा था? ग्रिगो से कहा था। तुम यहाँ आए कैसे? बंटी ने ग्रिगो से कहा था। दूसरा वाक्य है, मैं अंतरिक्ष में रहता हूँ। यह वाक्य किसने कहा था? ग्रिगो ने कहा था बंटी से। ग्रिगो ने अपना परिचय देते हुए कहा था, मैं अंतरिक्ष में रहता हूँ। तीसरा वाक्य है, तुम हमें अपना दोस्त मान सकते हो। यह वाक्य किसने कहा था? लता ने कहा था। ग्रिगो से कहा था। क्या कहा था? तुम हमें अपना दोस्त मान सकते हो। अगला वाक्य है, मुझे अब घर जाना होगा। यह वाक्य ग्रिगो ने कहा था तीनों बच्चों से। कब कहा था? जब उसके हाथ के गैजेट में से आवाज आने लगी थी, तो उसने कहा था अब मुझे घर जाना होगा। अगला प्रश्न है, पाठ से आए तीन बिंदु वाले और तीन चंद्र बिंदु वाले शब्द छाट करके ही लिखने हैं। पाठ से ही छाट करके लिखने हैं, तो ऐसे शब्द जिसमें बिंदु वाले हो, बंटी, ग्रिगो, रंग बिरंगी। चंद्र बिंदु वाले शब्द मुंह, उंगली, गोलियां। इसमें चंद्र बिंदु का प्रयोग हुआ है और इसमें बिंदु का प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न है, पोस्टर से उचित शब्द का प्रयोग कर वाक्य को पूरा करिए। मतलब वाक्य है, बंटी को एक अजीब सी आवाज दी। आवाज क्या करती है? सुनाई पड़ती है। आपको सुनाई फिल करना है। तुमसे मिलकर लगा अच्छा, लगा बुरा, लगा क्या लगा था? अच्छा। तो आपको वाक्य में अच्छा फिल करना है, भरना है। घर है, चलो मिशन शुरू करते हैं। सफाई अथवा गंदगी, कौन सा मिशन शुरू करते हो बोलो? सफाई का मिशन। अगला है, मैं अंतरिक्ष में रहता हूं। मैं रहता हूं कहां? अंतरिक्ष में। अंतरिक्ष में फिल करना है हमें। घर है, चलो मिशन सफाई शुरू करते हैं। गम है, ये गोलियां हैं, भोजन की अथवा दवाई की। किसकी गोलियां थी? ग्रिगो के पास भोजन की गोलियां थी। तो गम है, आपको भोजन फिल करना है। अगला प्रश्न है, वाक्य को पढ़कर उचित विराम चिन्ह का प्रयोग कीजिए। विराम चिन्ह का प्रयोग करें। विराम चिन्ह होता क्या है? सबसे पहले हम इसे समझते हैं। जब हम कोई वाक्य बोलते हैं तो हम लगातार बोलते नहीं चले जाते, उचित स्थान पर रुक करके बोलते हैं। तो वाक्य में रुकने को, कम रुकने को दर्शाने के लिए हम विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। वाक्य है, पिंकी लता जल्दी इधर आओ। तो इसमें दो विराम चिन्ह का प्रयोग होगा। विराम मतलब होता है रुकना, चिन्ह मतलब चिन्ह। पिंकी यहाँ पे अल्प विराम लगेगा, अल्प विराम मतलब थोड़े समय के लिए। पिंकी लता जल्दी इधर आओ, वाक्य पूरा हो गया तो पूर्ण विराम। इसी तरह दूसरा है, तुम यहाँ खाना क्यों खा नहीं सकते। इस वाक्य में प्रश्न पूछा गया है तो यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा, जो सी की तरह लगता है। जब कोई किसी वाक्य में प्रश्न पूछा जाता है तो ये चिन्ह लगता है। छी, यह भी कोई बगीचा है। तो यहाँ छी के बाद विस्मयानुबोधक चिन्ह लगेगा। यह भी कोई बगीचा है, वाक्य पूरा हो गया तो पूर्ण विराम। बंटी, पिंकी और लता कुछ देर उदास बैठे रहते हैं। दो या तीन नाम एक साथ अगर लिखा जाए तो वहां पे अल्प विराम बीच में लगा दिया जाता है। बंटी, पिंकी और लता कुछ देर उदास बैठे हैं, वाक्य पूरा हो गया पूर्ण विराम। अगला है, चलो मिशन सफाई शुरू करते हैं। चलो यहाँ पे थोड़ा सा रुक रहे हैं, यहाँ पे लगेगा अल्प विराम। अल्प विराम मतलब थोड़े समय के लिए। मिशन सफाई